ये भी लगने लगा था, वो भी ये फील करने लगे थे कि वो बहुत ही सुप्रीम है। क्यों इसलिए लगने लगा था? क्योंकि यूजुअली सोसाइटी में सब उन्हें कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा राइट्स और उनको सबसे ज़्यादा इज्जत देते थे। तो दैट्स वाई ही रियलाइज दैट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम शैकल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड द मीनिंगलेस रिचुअल्स ऑफ रिलीजन, पीपल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म। हर इंसान को ओरिजिनल टेक्स्ट जो हिंदुइज्म की है वो पढ़ने का हक है, जो सिर्फ ब्राह्मण पढ़ते थे उसको जानने का सबका हक है। दस ही टुक अप द टास्क ऑफ ट्रांसलेटिंग द हिंदू स्क्रिप्ट इंटू बंगाली। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय ने जो हमारी हिंदू स्क्रिप्ट हैं, जो भी लिटरेचर है, उसको बंगाली में ट्रांसलेट करने का सोचा। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर वर्ग के लोगों को एजुकेशन पाने का, नॉलेज पाने का हक है। क्योंकि सुनी सुनाई बातों में जो ब्राह्मण्स लोगों को बताते थे उसमें और खुद के पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड स्वामी विवेकानंद ऑल्सो वर्क फॉर द कास्ट रिफॉर्म्स। स्वामी विवेकानंद बिलीव दैट कास्ट वॉज अ सोशल सिस्टम एंड नॉट अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ये बात सच है कि पहले ज़माने में ये जो बनाया गया था ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, दैट वॉज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और किसी कास्ट के कि हम यहाँ पर पैदा हो इसकी वजह से नहीं, बल्कि इट वॉज ऑन देयर इनहेरेंट क्वालिटीज़। आप कितना अच्छा, पहले के ज़माने में जो ज़्यादा अच्छा एजुकेटेड होता था वो यूजुअली ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण लोग ज़्यादा पढ़ते थे, तो इसलिए उनको ऊपर रखा गया था। लेकिन धीरे धीरे ये कास्ट सिस्टम बन गया कि हाँ अब ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा भी नॉलेजेबल होगा, ऐसा था। तो लेकिन यही बात उन लोगों ने भी कही कि ये इट वॉज नॉट वॉट मेड अ पर्सन सुप्रीम वॉज नॉट कास्ट बट हिज और हर इनहेरेंट क्वालिटीज़। खुद कितना आपके अंदर क्वालिटीज़ है उसके आधार पर आप उसके टैलेंट को जान सकते हैं। विवेकानंद ऑल्सो क्रिटिसाइज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अब विवेकानंद ने ये भी क्रिटिसाइज़ किया कि अनटचेबिलिटी को, छुआछूत जो होता था कि लोअर कास्ट अपर कास्ट के लोगों से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे, उन्हें छू नहीं सकते थे, जहाँ से वो पानी निकालते थे, जहाँ वो पढ़ने जाते थे, जहाँ वो लोग खेलते थे, वहाँ पर लोअर कास्ट के लोग नहीं जा सकते थे। तो विवेकानंद ने उसका भी अपोज किया। ही सेड दैट हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट डिड नॉट एडवोकेट अनटचेबिलिटी। उन्होंने कहा कि हिंदू रिलीजियस जो टेक्स्ट हैं वो अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं करते हैं। ये हम लोग का बनाया हुआ ये है, वो है आइडिया है कि लोअर कास्ट के लोग उधर, मतलब कि अपर कास्ट के लोगों से नहीं मिल सकते। नाउ अब वेस्टर्न इंडिया में क्या होता था? गोपी हरि देशमुख, ज्योतिबा, रामकृष्ण भंडारकर, एम जी राणे एंड रामाबाई राणे वर द प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। अब ये जो हैं गोपी हरी देशमुख, रामकृष्ण भंडारकर, ज्योतिबा, एम जी राणे एंड रामाबाई राणे वर द प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स जो वेस्टर्न इंडिया में काम कर रहे थे। इन्होंने भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट उसको अपोज करने के लिए खड़े हुए हुए भी। ज्योतिबा प्रोपगेटेड कास्ट इक्वालिटी एंड वर्क टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ द अनटचेबल्स। उन्होंने काम किया कि जो अनटचेबल्स है, जो लोअर कास्ट है, उनको भी उनका हक मिले और उनको अपलिफ्ट करने के लिए शी वर्क फॉर इट। ही वॉज अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण प्रीस्ट। अब ये जो थे ये ब्राह्मण प्रीस्ट के डोमिनेंस के खिलाफ थे कि हर अधिकार सिर्फ ब्राह्मण प्रीस्ट को ही मिल रहे हैं और बाकी लोगों को नहीं मिल रहे हैं। He opened many schools for people considered low in the caste of hierarchy. अब जो lower caste के लोग थे उन्होंने उनके लिए स्कूल खोले ताकि वो लोग भी शिक्षा पा सकें। तो ज्योतिबा जी जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स के लिए काम किया। ही ऑल्सो अपोज्ड कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंस ब्राह्मण पीस को मिल जा रहा है एंड ही ऑल्सो ओपेंड एंड कंस्ट्रक्टेड स्कूल्स फॉर द लोअर कास्ट हायरार्की। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में क्या हो रहा था? अ पॉपुलर लीडर कमिटेड टू द कास्ट रिफॉर्म्स वॉज कंदुकुरी वीर सालिंगम। ही स्टार्टेड अ तेलुगु जर्नल टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड कास्ट इक्वालिटी।
पश्चिम बेटी श्री धरालु नायडू ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। ये दो लोगों ने भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और कास्ट इक्वालिटी के लिए अपनी एकमतता दिखाई। ठीक है, श्री नारायण गुरु वॉज अनदर रिफॉर्मर फ्रॉम द साउथ। ही हैड एक्सपीरियंस द ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम एंड डिवोटेड हिज लाइफ टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स। इन्होंने भी अपनी लाइफ जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको हक दिलाने के लिए, उनको अपना राइट दिलाने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। गोइंग अगेंस्ट कास्ट रूल्स ही एक्वायर्ड संस्कृत एजुकेशन। ही बिल्ड मेनी टेम्पल्स इन विच देर वर नो इमेजेस ऑफ डीटीज। इन द फर्स्ट टेम्पल दैट ही बिल्ड अ स्टोन वॉज प्लेस्ड इंस्टेड ऑफ एन आइडल। ऑन द स्टोन वॉज इंग्रेव्ड दिस मैसेज, हेयर इज द प्लेस वेयर ऑल पीपल लिव इन फेटर्निटी विदाउट कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड रिलीजियस राइवलरी। ही फाउंडेड एन एसोसिएशन इन 1902 कॉल्ड श्री नारायण धर्म परिपालना योगम दैट पॉपुलराइज हिज बिलीव दैट वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड। बिल्कुल सही, उन्होंने ये एक टेम्पल बनाया जहाँ पर किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सब एक जैसे हैं और यहाँ पर सबका हक है। फिर उन्होंने ही फाउंडेड एसोसिएशन इन 1902 कॉल्ड श्री नारायण धर्म परिपालना योगम दैट पॉपुलराइज दैट वन कास्ट एक रिलीजन और एक भगवान होता है। कोई भी को आप ना ही भगवान को बांट सकते हो तो ना ही आप इंसान को बांट सकते हो। इसलिए ही मेड ही पॉपुलराइज वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गोल बिलीफ। रिफॉर्मर्स सच एज ई वी रामास्वामी नायकर, के किलापन्नन, जे के माधवन फॉट फॉर द राइट ऑफ द अनटचेबल्स टू एंटर टेम्पल्स। अब इन्होंने भी इसके लिए लड़ाई लड़ी कि अनटचेबल्स मंदिर में घुस सकते हैं। पहले ऐसा था कि जो लोअर कास्ट के लोग थे अनटचेबल्स थे, उनको मंदिर आना अलाउड नहीं था। लेकिन ई वी रामास्वामी नायकर, के किलापन एंड जे के माधवन फॉट फॉर द राइट ऑफ अनटचेबल्स एंड द मेन हीरो जिनके बारे में हम सब जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ई वी रामास्वामी नायकर पॉपुलरली कॉल्ड पेरियार स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स। आपके बी आर अम्बेडकर खुद एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे लेकिन उन्होंने खुद पढ़ाई करी तो इसलिए ही वॉज पॉपुलरली इन्वॉल्व इन द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। अब ई वी रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई जिसमें उन्होंने बोला कि ब्राह्मण्स का डोमिनेंस हर जगह अलाउड नहीं है। द फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। महात्मा गांधी स्टार्टेड अ नेशन वाइड मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ही कॉल्ड पीपल ऑफ द सो कॉल्ड लोअर कास्ट हरिजन्स और चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ही फाउंडेड द ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग एंड स्टार्टेड द वीकली हरिजन। भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर वांटेड टू एंड अनटचेबिलिटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हरिजन्स। ही फाउंडेड सेवरल जर्नल्स टू स्प्रेड हिज मैसेज। बिटवीन 1927 एंड 1932 ही लेड हिज फॉलोअर्स इन द सीरीज ऑफ नॉन वायलेंट कैंपेन टू एसर्ट द राइट ऑफ अनटचेबल टू एंटर टेम्पल्स एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल्स। उन्होंने ये काम किया कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं अनटचेबल्स हैं वो भी मंदिर जा सकते हैं और वो भी पब्लिक कुएं से जो अपर क्लास अपेरेंटली यूज़ करते हैं लोअर कास्ट लोग भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ रिफॉर्मर्स थे जो यू नो लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम करते थे, जिसका रिजल्ट ये है कि आज इतने सालों बाद, आज हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, आज इक्वल राइट्स सबको मिल रहे हैं, फीमेल को भी मेल को भी, दोनों तरफ एजुकेशन है, लड़कियां भी एजुकेशन पा सकती हैं और मेल्स को भी एजुकेशन मिल रही है, इक्वल राइट्स सबको मिल रहा है। सो दिस वाज बिकॉज ऑफ ऑल दैट हेल्प दैट रिफॉर्मर्स डिड टू अपलिफ्ट द इंडियन सोसाइटी। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और मैंने जितनी ईजिली हो सके इस चैप्टर को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।